सो गाइज आज करते हैं कैमरा टेस्ट आईफोन 15 वर्सेस वीवो V40 प्रो एंड रियलमी 13 प्रो प्लस। अब देखो अकॉर्डिंग टू प्राइस कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं बनता है क्योंकि तीनों ही फोन का प्राइस एंड सेगमेंट दोनों अलग है। बाय द वे मैंने सेगमेंट के हिसाब से ऑलरेडी कर दिया है कैमरा कंपैरिजन एंड आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने वाला हूँ फ्लैगशिप एंड एक सेमी फ्लैगशिप एंड एक बजट फोन। देखता हूँ सेम कंडीशन में तीनों में कैमरा में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है क्योंकि सारा खेल है ऑप्टिमाइजेशन का। तो फ्लैगशिप का ऑप्टिमाइजेशन मिड रेंज वाले से एंड बजट से कितना इंप्रूव निकल के आता है, कितना बेटर देखने को मिलता है। मेनली पोर्ट्रेट शॉट के अंदर में एंड लो लाइट के अंदर में देखेंगे क्वालिटी किसकी बेटर निकल के आती है क्योंकि वी 40 प्रो का भी प्राइस है 50,000 कार्ड ऑफर लगाने के बाद 45K एंड आईफोन 15 का भी प्राइस था बीबीडी सेल पे 50,000। तो देखता हूँ कि 30K का फोन 50K के फोन से कितना डिफरेंट निकल के आता है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आपको देखना है कंपैरिजन जाकर देख लो, मैंने ऑलरेडी काफी सारे कंपैरिजन कर दिया है बट आज थोड़ा डिफरेंट करते हैं। बाय द वे कैमरा स्पेक में अगर बात करूं कैमरा स्पेक तीनों ही फोन का थोड़ा डिफरेंट है। आईफोन 15 के अंदर में रियर साइड में डुअल कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेल्फी 12 मेगापिक्सल की, वेयर एज वी 40 प्रो एंड रियलमी के अंदर में मेन वाला सेंसर है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड थोड़ा डिफरेंट है। टेलीफोटो कैमरा भी सेम है 50 मेगापिक्सल का रियलमी के अंदर में 3x ऑप्टिकल जूम पे एंड वीवो के अंदर में 2x ऑप्टिकल जूम पे। अल्ट्रा वाइड सबसे ज्यादा मेगापिक्सल का मिलता है आपको वीवो के अंदर में 50 मेगापिक्सल का, सेल्फी भी आपको मिलती है 50 मेगापिक्सल की। तो चलिए मैं करता हूं वीडियो को स्टार्ट बट उससे पहले आप लोगों को फटाफट से लाइक एंड कर देना सब्सक्राइब क्योंकि आपको यहां पे ट्रू एंड क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलती है। बाय द वे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। ओके अगर सेटिंग की बात करूं यहां पर देखो तीनों ही फोन के अंदर में आपको मिल जाएगा, सबसे पहले रियलमी के अंदर मिलेगा आपको 0.6 अल्ट्रा वाइड, 1x 2x 3x 6x का ऑप्शन मिल जाएगा और आईफोन के अंदर में 0.5 अल्ट्रा वाइड 1x एंड 2x, वेयर एज आपको मिल जाएगा वीवो के अंदर में 0.6 अल्ट्रा वाइड 1x 2x 4x और पोर्ट्रेट के अंदर में यहां पर स्विचेबल पोर्ट्रेट है 24 35 50 85 एंड 100 विथ ऑल साइज फिल्टर। उसके बाद आपको यहां पर एक अलग से मिल जाएगा सुपर माइक्रो का ऑप्शन, यहां पर देखो डेडिकेटेड आपको इन तीनों फोन के अंदर में नहीं है, रियलमी के अंदर में जाओगे 3x पे तो यहाँ पर देखो ये आ गया छोटा सा ये माइक्रो का ऑप्शन, आईफोन के अंदर में देखने को नहीं मिलता है, ऑटो माइक्रो काम करता है। अब देखो प्राइमरी कैमरा में ना कलर एक्यूरेसी यहाँ पर आईफोन का क्लोज टू नेचुरल है, वीवो के अंदर में कॉन्ट्रास्ट लेवल ज़्यादा हाई है, कलर नेचुरल निकल के नहीं आते हैं एंड रियलमी के अंदर में भी आप बोल सकते हो क्लोज टू नेचुरल बट आईफोन का कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल काफ़ी अच्छा देखने को लगा है। अकॉर्डिंग टू प्राइस में यहाँ पर रियलमी को अच्छा कहना चाहूँगा। अब यहाँ पर देखो सामने से एक लाइट आ रही थी तो जो डायनेमिक रेंज है वो आपको रियलमी एंड यहाँ पर आईफोन का बेटर है, कॉन्ट्रास्ट अगेन ज़्यादा हाई है वीवो के अंदर में, स्काई नेचुरल देखने को नहीं लग रहे हैं एंड रोड के कलर भी आपको नेचुरल देखने को बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। जूम करने के बाद देखो जो डिटेल्स है ये वाले एरिया में रोड पे टेक्सचर वगैरह तीनों ही फोन में इनफ है लेकिन यहाँ पर देखो ये वाले एरिया कलर एक्यूरेसी आईफोन का सबसे बेटर है एंड ये वाले अल्ट्रा वाइड में जो स्काई है वो आपको तीनों ही फोन में थोड़े बूस्टेड है लेकिन देखो जो रोड पे जो टेक्सचर वगैरह है वो आपको आईफोन एंड रियलमी थोड़ा सा बेटर मैनेज किया है लेकिन जो रियलमी का प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है एक्सपोजर वगैरह को एंड कलर को थोड़ा बूस्ट करता है रियलमी। जूम करने के बाद टेक्सचर आईफोन में सबसे बेटर है, क्लोज टू नेचुरल है, रोड का जो एक्चुअल टेक्सचर है वो आपको आईफोन ने मेंटेन किया, वीवो के अंदर में थोड़े से नोटिस किया मैंने ओवर शार्पनिंग। अब देखो अगेंस्ट द लाइट में जो डायनेमिक रेंज है जो HDR है कंट्रोल वो सबसे बेटर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा V40 Pro का देखने को लगा, आईफोन की पिक्चर में ये वाले एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा नॉइज़ है एंड रियलमी के अंदर में स्काई ओवर स्पूज निकल के रहा, सन का एक्चुअल कलर आपको मेंटेन नहीं किया। यहाँ पर देखो अल्ट्रा वाइड के अंदर में सेम यहाँ पर अगेन V40 Pro बेटर निकल के आता है, आईफोन की पिक्चर अंडर स्पूज निकल के आ रही है एंड रियलमी के अंदर में कलर ज़्यादा बूस्ट करता है, थोड़े से नॉइज़ भी है स्काई के अंदर नोटिस करोगे आप, तो स्लाइटली अल्ट्रा वाइड यहाँ पर अगेंस्ट द लाइट में V40 Pro का थोड़ा सा बेटर। और ये है प्राइमरी कैमरा का मैक्रो शॉट, तो सबसे बेटर जो कलर एक्यूरेसी है वो आपको आईफोन का वीवो के अंदर में नेचुरल जाइस मोड ऑन करने के बाद भी ज़्यादा बूस्ट करता है, कलर कॉन्ट्रास्ट लेवल हाई है, आईफोन की कलर ज़्यादा नेचुरल भी देखने को लगती है एंड रियलमी के अंदर में जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वो आपको ओवर स्पूज निकल के आ रहे, जूम करने के बाद जो डिटेल्स है मेन सब्जेक्ट पे वो आपको सबसे बेटर मुझे यहाँ पर वीवो के अंदर में देखने को लगा ये वाले एरिया में एंड रियलमी के अंदर में थोड़ी ओवर स्पूज निकल के आ। अब ये है देखो 2x पे आईफोन, 2x पे वीवो एंड 3x टेलीफोटो पे
रियलमी। अगेन यहाँ पर जो कलर एक्यूरेसी है आईफोन का थोड़ा सा मुझे बेटर देखने को लगा है। आईफोन के अंदर में कोई भी यहाँ पर टेलीफोटो कैमरा नहीं है, बट स्टिल 2x पे जो डिटेल्स आपको अच्छे निकाल के दे देगा। मेन सब्जेक्ट जो डिटेल्स सबसे बेटर आईफोन मुझे यहाँ पर देखने को लगा। हालांकि वीवो के अंदर में ऑप्टिकल जूम है, बट यहाँ पर देखो जो रियलमी की पिक्चर है वो थोड़ी डिफरेंट है। एक्सपोजर को एडजस्ट करने में, हैंडल करने में थोड़ा स्ट्रगल करता है। अब देखो यहाँ से सामने से लाइट आ रही थी, सनलाइट थोड़ा हार्श था, बट अगेन कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल करने में रियलमी एंड वीवो स्ट्रगल करता है, जो आपको आईफोन ने स्किन पे फेस पे बेटर मेंटेन किया है। तो कॉन्ट्रास्ट लेवल ज़्यादा हाई है दोनों ही फोन के अंदर में, एंड आईफोन में जो स्किन टोन आपको क्लोज टू नेचुरल है, फेस थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है आईफोन के अंदर में। डिटेल्स तीनों ही फोन में इनफ है, फेस क्लोज टू नेचुरल, स्किन टोन क्लोज टू नेचुरल कह सकते हो। वेयर एज रियलमी का भी थोड़ा सा मुझे बेटर देखने को लगा, वीवो में बिल्कुल भी नेचुरल नहीं स्किन टोन वगैरह। यहाँ पर देखो अगेंस्ट द लाइट में सबसे बेटर जो यहाँ पर डायनेमिक रेंज है वो जो यहाँ पर देखने को लगा रियलमी का, देन वीवो का। आईफोन यहाँ पर थोड़ा वीक परफॉर्म करता है, आउटपुट जो है बेटर यहाँ पर निकाल के नहीं देता अगेंस्ट द लाइट में। मेन कैमरा से जो मेन सब्जेक्ट है आपको अंडरस्पोज निकल के आ रहे आईफोन के अंदर में, जूम करने के बाद जो डिटेल्स है सबसे बेटर यहाँ पर रियलमी का देखने को लगा फेस पे, चाहे वो हैंड पे टेक्सचर हो। वीवो के अंदर में डिटेल्स थोड़ा कम है, बट पिक्चर ठीक ठाक निकल के आती, तो सबसे बेटर यहाँ पर रियलमी निकल के आता है अगेंस्ट द लाइट में डायनेमिक रेंज वगैरह एंड डिटेल्स कैप्चर करने में। अगेन यहाँ पे सामने से लाइट आ रही थी, थोड़ी हार्ड सनलाइट थी। यहाँ पर देखो अगेन जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है दोनों ही फोन में हाई है, स्काई जो है ज्यादा बूस्ट करता है रियलमी, जो स्किन टोन है आपको क्लोज टू नेचुरल दोनों ही फोन में नहीं है। आईफोन में कह सकते हो क्लोज टू नेचुरल, टी शर्ट एंड जो हेयर के कलर है ज्यादा ब्लैक देखने को लग रहे हैं। सेम एज अल्ट्रा वाइट के अंदर में यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया है रियलमी ने एक्सपोजर को कंट्रोल करने में, सबसे बेटर एक्सपोजर कंट्रोल यहाँ पर मैं बोलूंगा आईफोन का है। एंड यहाँ पर जो बैकग्राउंड में जो HDR वगैरह है सबसे बेटर वो आपको वीवो ने मेंटेन किया है, लेकिन देखो कॉन्ट्रास्ट लेवल ज्यादा हाई है। जूम करने के बाद जो डिटेल्स है आपको सबसे बेटर आईफोन में है, हैंड देखो, फेस देखो एंड जीन्स तीनों ही ओवर एक्सपोज निकल के आ रहे हैं रियलमी के अंदर में। सबसे बेटर जो एक्सपोजर कंट्रोल है आपको आईफोन का है, वीवो के अंदर में फिंगर यहाँ पर ये वाला एरिया ओवर एक्सपोज निकल के आ रहा है। सेम एज अगेंस्ट द लाइट में अल्ट्रावाइट सेंसर से तीनों ही फोन स्ट्रगल के यहाँ पे डायनेमिक रेंज कैप्चर करने में। रियलमी के अंदर में स्काई तो पूरा ओवर एक्सपोज निकल के आ रहा है, सबसे बेटर जो स्काई कंट्रोल है वो आपको वीवो का है। तीनों ही फोन में फिलर्स भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फिलर्स मुझे देखने को लगा है रियलमी के अंदर में। डिटेल्स ऑलमोस्ट तीनों ही फोन का सिमिलर है। सबसे बेटर जो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा वो मुझे थोड़ा सा V40 Pro देखने को लगा, फिलर्स कंट्रोल एंड लाइट कंट्रोल थोड़ा सा बेटर है। एंड अगेन ये वाले सैंपल शॉट में देखो यहाँ पर जो हेयर है, जो टी शर्ट है ज़्यादा ब्लैक नोटिस कर रहे हैं आप रियलमी के अंदर में, इसका भी ज़्यादा बूस्ट करता है, तो हार्श सनलाइट में कॉन्ट्रास्ट ओवर करता है रियलमी अल्ट्रावाइट के अंदर में। वेयर एज आईफोन थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल लगता है, एंड जो जूम करने के बाद जो डिटेल्स है अल्ट्रावाइट के अंदर में वो सबसे बेटर मुझे यहाँ पर आईफोन की देखने को लगी है। फेस तीनों ही फोन में ओवरस्पोज निकल के आ रहे हैं, तो कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल करने में आईफोन सबसे बेटर आगे निकल के आता है। ओवर कॉन्ट्रास्ट की पिक्चर आती है रियलमी के अंदर में या वीवो के। और वीडियोस के अंदर में अगर जाओगे तो यहाँ पर देखो आईफोन के अंदर में एंड वीवो के अंदर में मिल जाएगा आपको 4K 60fps का सपोर्ट इजिली तरीके से, एंड रियलमी के अंदर में आपको मिल जाएगा 4K 30fps। ओके, तो स्लाइटली यहाँ पर जो है वीडियो आईफोन की थोड़ी सी बेटर आएगी, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, बाकी दोनों फोन में देखने को नहीं मिलता है। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p 60fps पे तीनों ही फोन के रेड कैमरा से, और सनलाइट बिल्कुल सामने से, थोड़ा सनलाइट हार्ड से, बट यहाँ पर देखो स्किन टोन एंड फेस पे डिटेल्स किसका बेटर है। क्लोज आने पे पहले रियलमी के अंदर में, फिर आईफोन के अंदर में, फिर वीवो के अंदर में, आप बताना स्किन टोन फेस पे डिटेल्स किसका बेटर निकल के आता है। और अगेंस्ट द लाइट में बैकलाइट HDR, यहाँ पर देखो आप सन पीछे है, और अब यहाँ पर देखो फेस को कौन से फोन अच्छे फोकस पे रखा हुआ है, डायनामिक रेंज वगैरह कितना बेटर निकल के आता है एक बार बताना आप कमेंट में। ओके, और यहाँ पर देखो, तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p 60fps पे तीनों ही फोन के रियर कैमरा से, और डायनामिक रेंज यहाँ पर देखो सबसे बेटर किसका खतरनाक है। एक बार यहां से मैं चेक करता हूं ऑटो फोकस किसका ज्यादा फास्ट है, तो यहां पर मैं अगर कलर एक्यूरेसी की बात करूं तो कलर जो है यहां पर आईफोन में क्लोज टू नेचुरल है, वीवो में थोड़े से कॉन्ट्रास्ट ओवर है, एंड रियलमी के अंदर में थोड़ा सा बूस्ट करता है ग्रीन टोन। और यहां से देखो ऑटो फोकस सबसे ज्यादा फास्ट आईफोन का, वीवो का भी फास्ट है, रियलमी के अंदर में बहुत ज़्यादा लैग दिख रहा है आपको 60fps पे, जस्ट लाइक लगेगा ऐसा महसूस कर रहा हूँ 20
24 FPS पे। तो यहाँ पर जो है आईफोन और वीवो थोड़ा सा बेटर दे रहा है वीडियो के अंदर में। ऑब्वियसली बात है, प्राइस को देखते हुए रियलमी को मैं ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन ये थोड़ा सॉफ्टवेयर का इशूज़ है कि 60 FPS पे थोड़ा ज़्यादा लैग करता है। और वीडियो के अंदर में स्विच कर सकते हो, ये है 2x, ये भी 2x एंड ये भी 2x, तो ये हो चुका है तीनों ही फ़ोन का 2x। और एक बार यहाँ से मैं चेक करता हूँ स्टेबिलाइजेशन किसका बेटर निकल के आता है। ओके, तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिनेमैटिक मोड के तीनों ही फोन के फ्रंट रियर कैमरा से, और सनलाइट सामने से है, सनलाइट थोड़ा हार्ड से, स्किन टोन, फेस पे डिटेल्स किसका बेटर है आप बताना कमेंट में। बाय द वे, मूव करते टाइम एक बार फ्रेम स्किप किसका ज्यादा कर रहा है फ्रेम स्किप, और अगेंस्ट द लाइट में चेक करो एक बार। ओके, मूव करते टाइम जो है फेस को कौन अच्छे से फोकस पे रखता है वो बताना आपको एक बार। और एक बार देखो एयर रिडक्शन किसका बेटर है थोड़ा पीछे जाने पे, और सामने आने पे फेस पे फोकस किस फोन का बेटर है आप बताना कमेंट में। यह है प्राइमरी कैमरा का पोर्ट्रेट शॉट 1x पे। तो क्वालिटी यहाँ पर सबसे बेटर जो है वो क्लोज टू नेचुरल है आईफोन, स्किन टोन एंड बैकग्राउंड में कलर वगैरह, डेप्थ ऑफ फील्ड तो इन्हीं फोन में इनफ है, कॉन्ट्रास्ट लेवल ज़्यादा हाई है रियलमी एंड वीवो के अंदर में। जूम करने के बाद देखो यहाँ पर जो डिटेल्स है वो तीनों ही फोन में इनफ निकल के आते हैं, थोड़े से हेयर वगैरह के कलर वगैरह यहाँ पर क्लोज टू नेचुरल आईफोन के अंदर में, डेप्थ ऑफ फील्ड तीनों ही फोन में इनफ है, लेकिन देखो जो कलर एक्यूरेसी है यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आईफोन का नेचुरल है, ये वाले एरिया में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हाई है, हैंड थोड़े से आपको डार्क देखने को लग रहे हैं बाकी दोनों ही फोन में। अब ये है पोर्ट्रेट शॉट 2x मोड पे आईफोन से, बाकी दोनों फोन से टेलीफोटो कैमरा से। तो अगेन यहाँ पर जो कलर एक्यूरेसी है आपको आईफोन की नेचुरल है, वीवो के अंदर में कलर नेचुरल देखने को नहीं मिलते चाहे वो फेस हो चाहे वो बैकग्राउंड हो। रियलमी के अंदर में आप थोड़ा सा बोल सकते हो क्लोज टू नेचुरल स्किन टोन थोड़े से अच्छे लगते हैं। जूम करने के बाद जो डिटेल्स है वो सबसे बेटर रियलमी के अंदर में निकल के आते हैं, लेकिन रियलमी में यहाँ पर देखो जो मेरे हेयर है जो बियर्ड है ज़्यादा ब्लैक देखने को लग रहे हैं, वे है सबसे बेटर यहाँ पर आईफोन ने कंट्रोल किया है। अब देखो यहाँ पर चैलेंजिंग सिचुएशन में जो एयर रिडक्शन है जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो सबसे बेटर यहाँ पर मुझे रियलमी का देखने को लगा। हाँ, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हाई है वीवो एंड रियलमी दोनों के अंदर में, आईफोन थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल लगा है, लेकिन यहाँ पर देखो पिक्चर आपको ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा तीनों ही फोन में। सबसे बेटर जो कंट्रोल है एज रिडक्शन है जो डिटेल्स है वो आपको रियलमी का देखने को लगा है, आईफोन यहाँ पर पूरा स्ट्रगल किया है। एज रिडक्शन वीवो का भी बेटर है लेकिन यहाँ पर डिटेल्स कैप्चर करने में स्ट्रगल करता है वीवो 2x मोड पे। अब देखो फेस पे जो डिटेल्स वगैरह है वो आपको टेक्सचर है सबसे बेटर रियलमी का देखने को लगा, फेस थोड़ा ओवरएक्सपोज हो रहा है V40 Pro के अंदर में। एंड यहाँ पर देखो ये वाले सैंपल शॉट में सामने से लाइट आ रही थी तो जो कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह है आपको अगेन यहाँ पर आईफोन का थोड़ा सा बेटर देखने को लगेगा, डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखो जो डिफरेंस है स्क्रीन टोन का तीनों ही फोन का थोड़ा डिफरेंट स्क्रीन टोन निकल के देता है, आईफोन थोड़ा रखे क्लोज टू नेचुरल। जूम करने के बाद जो मेन वाले सब्जेक्ट पर जो डिटेल्स है सबसे बेटर रियलमी का देखने को लगा है, एयर रिडक्शन आईफोन का सबसे वीक है एंड जो 3D इफेक्ट यहाँ पर एक्चुअल जो सेव है वो आपको रियलमी एंड वीवो ने कैप्चर किया। देखो डिटेल्स फेस पे सबसे बेटर यहाँ पर रियलमी का है, एयर रिडक्शन में ऊपर देखो यहाँ पर ये वाले एरिया में आईफोन ने स्ट्रगल किया है, तो टेलीफोटो कैमरा का ये बेनिफिट देखने को मिलता है बाकी दोनों फोन में वीवो के अंदर में एंड रियलमी के अंदर में। अगेन यहाँ पर देखो हार्ड सनलाइट में जो कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल है सबसे बेटर आईफोन का है, रियलमी एंड वीवो ये दोनों मिड रेंज है दोनों फ्लैगशिप नहीं है तो कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल करने में स्ट्रगल करते हैं बाकी दोनों ही फोन। एयर रिडक्शन चैलेंज में जो सबसे बेटर जो एयर रिडक्शन है यहाँ पर वो मुझे यहाँ पर रियलमी का देखने को लगा है। आईफोन में जो बैकग्राउंड है आपको थोड़े से ओवरलैप भी कभी कभी होते हैं, एयर रिडक्शन क्लीन है वीवो का भी एंड रियलमी का भी टेलीफोटो कैमरा के लिए। यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल किया वीवो ने भी ये वाले एरिया में नोटिस करोगे आप, बाकी आईफोन तो वीक है ही लेकिन डिटेल्स कैप्चर करने में एंड एयर रिडक्शन सबसे बेटर यहाँ पर मुझे रियलमी का देखने को लगा, स्क्रीन टोन आईफोन में नेचुरल है। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तीनों ही फोन के फ्रंट कैमरा से, आईफोन में एंड वीवो के अंदर में 1080p 60fps एंड रियलमी के अंदर में 1080p 30fps। और अब यहाँ पर देखो जो स्किन टोन है किसकी बेटर निकल के आ रही है, तो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा हाई है आईफोन के अंदर में देखो। और यहाँ पर देखो जो फेस पे डिटेल्स है वो क्लोज लाइन पर सबसे बेटर जो है वो आपको वीवो एंड आईफोन में देखने को मिलता है 0.8x, रियलमी के अंदर में यहाँ भी 0.8 एंड वीवो के अंदर में मिलेगा आपको एक्स्ट्रा 2x। ये देखो
वेयर आईफोन के अंदर में कोई भी स्विचेबल मोड यहाँ पर नहीं दिया गया, तो आप जूम नहीं कर पाओगे फ्रंट कैमरा की वीडियो के अंदर में। और अगेंस्ट द लाइट में नोटिस करो आप डायनामिक रेंज किसका सबसे बेटर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वीवो मुझे बेटर देखने को लग रहा है, स्काई में जो डायनामिक रेंज है वो सबसे बेटर थोड़ा सा आईफोन भी देखने को लग रहा है। बट अब यहाँ पर देखो जो फेस पे कुछ हैंडलिंग है वो सबसे बेटर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा V40 का देखने में लग रहा है। ओके, बाकी का ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ है प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर। ओके, बहुत ज़रा संभल के वीडियो बनाना पड़ेगा, नहीं तो अगली वीडियो जो है फिर कभी नहीं बन पाएगी। और यहाँ से मैं एक बार चेक करता हूँ स्टेबिलाइजेशन, उससे पहले गाड़ियों का रस थोड़ा ख़त्म होने देते हैं, फिर मैं चेक करता हूँ स्टेबिलाइजेशन किसका बेटर निकल के आता है। आई थिंक अभी गाड़ी नहीं है, मौका देख के चौका मार लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर जो है आईफोन ज़्यादा स्टेबल है, वीवो के अंदर में 60 FPS पे स्टेबलाइजेशन वर्क नहीं करता है, एंड रियलमी के अंदर में कोई भी स्टेबलाइजेशन मोड है ही नहीं। फ्रंट कैमरा में यहाँ पर देखो तो सामने से लाइट आ रही थी, हार्ड सनलाइट थी, तो स्क्रीन टोन तो आपको तीनों ही फोन का थोड़ा डिफरेंट है। आईफोन में थोड़े से क्लोज टू नेचुरल है, वीवो में एंड रियलमी थोड़े से आईपीएस कैप्चर करता है। बट सेल्फी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा पर्सनली V40 Pro का बेटर देखने को लगा है, क्योंकि जो टेक्सचर वगैरह है यहाँ पर थोड़ा सा बेटर कैप्चर कर लेता है। जो एक्चुअल जो कलर टोनिंग है थोड़ा सा आईफोन में देखो फेस ओवर एक्सपोज निकल के आ रहे हैं, रियलमी के अंदर में भी ये वाला थोड़ा सा चीक। बट अगेंस्ट द लाइट में यहाँ पर देखोगे सबसे बेटर जो डायनेमिक रेंज है वो आपको वीवो का एंड रियलमी का देखने को लगा है। आईफोन यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल करता है, नॉइज़ ज़्यादा है एंड फेस पे एक्सपोजर कंट्रोल करने में। तो यहाँ पर जो है सेल्फी आईफोन की थोड़ी वीक है एज़ कम्पेयर टू बाकी दोनों फ़ोन, बाकी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को मुझे लगा नहीं है। एंड एयर डिटेक्शन आपको देखो यहाँ पर तीनों ही फ़ोन का अच्छा है, आईफोन थोड़ा स्ट्रगल करता है, आईफोन थोड़ा सा क्लोज व्यू कैप्चर करता है एंड वीवो के अंदर में रियलमी के अंदर में थोड़े से वाइडर व्यू कैप्चर करता है। तो यहाँ पर देखो स्किन टोन वगैरह थोड़ा सा एप्लीजन है, सेल्फी थोड़ी सी अच्छी लगती है वीवो की यहाँ पर जूम करने के बाद। तो डिटेल्स तीनों ही फोन में इनफ है, सबसे बेटर जो डिटेल्स है वो आपको वीवो के अंदर में, एंड रियलमी थोड़ा स्ट्रगल करता है एक्सपोजर को कंट्रोल करने में। अगेन ये वाले सेल्फी के अंदर में रियलमी के अंदर में थोड़ा सा जो मेरा चीक है ओवर एक्सपोजर निकल के आ रहे, देखो जो एक्चुअल जो हेयर के जो कलर एक्यूरेसी है वो आपको आईफोन में थोड़े से क्लोज टू नेचुरल है, बाकी दोनों फोन में हेयर ज़्यादा ब्लैक देखने को लग रहे हैं, लिप्स थोड़े ज़्यादा रेड है बाकी दोनों फोन में, आईफोन में क्लोज टू नेचुरल है। अब देखो लो लाइट के अंदर में नाइट मोड अनेबल करने के बाद बाकी तीनों ही फोन की पिक्चर तो वेल एक्सपोज निकल के आ रही है, लेकिन नॉइज ज़्यादा है ये वाले एरिया में आईफोन 15 के अंदर में। तो स्लाइटली यहाँ पर नॉइज़ कंट्रोल जो है सबसे बेटर यहाँ पर मुझे वीवो का एंड रियलमी का देखने को लगा है। जूम करने के बाद डिटेल्स तो आपको तीनों ही फोन में इनफ है, लेकिन यहाँ पर ये वाले एरिया में नोटिस करोगे आप नॉइज़ ज़्यादा है आईफोन 15 के अंदर में। तो बाकी दोनों फ़ोन थोड़ा सा बेटर कैप्चर करता है नॉइज़ वगैरह। डिटेल्स अगेन यहाँ पर सबसे बेटर जो शार्पनिंग है वो आपको रियलमी का देखने को लगा है, वीवो के अंदर में कॉन्ट्रास्ट लेवल ज़्यादा हाई है तो कलर थोड़े बूस्ट करता है। अब यहाँ पर देखो सामने से एक कॉर्नर पे जो लाइट थी सबसे बेटर जो है कॉर्नर बेटर एक्सपोज रखा है वो आपको V40 Pro ने, क्योंकि यहाँ पर टेक्सचर वगैरह भी सबसे बेटर मेंटेन कर लिया है, कलर थोड़े बूस्ट करता है बाकी दोनों फ़ोन। लेकिन देखो यहाँ पर जूम करने के बाद कॉर्नर पे जो यहाँ पर शार्पनिंग है वो सबसे बेटर यहाँ पर V40 Pro का, आईफोन में ये वाला एरिया ज़्यादा स्मूथ निकल के आया है एंड रियलमी थोड़ा सा अंडरस्पोज रखा है, बट टेक्सचर रियलमी के अंदर में भी बेटर मेंटेन है। एंड यहाँ पर ये वाले एरिया में लाइट एंड डिटेल्स दोनों कैप्चर करने में स्ट्रगल किया V40 Pro, टेक्स्ट इजिली रीडेबल है आईफोन 15 में एंड रियलमी 13 Pro Plus में। एंड यहाँ पर सबसे बेटर जो लाइट कंट्रोल है आपको V40 Pro का है, आईफोन में नॉइज ज़्यादा ही ये वाले एरिया में एंड रियलमी थोड़े से अंडरस्पोज निकल के आ रही है, सबसे बेटर लाइट कंट्रोल एंड जो पिक्चर है वो आपको V40 Pro की बेटर निकल के आई है, नॉइज भी काफ़ी कम है V40 Pro के अंदर में। अब देखो यहाँ पर ये वाले पिक्चर में सामने से लाइट आ रही थी तो बैकग्राउंड में जो लाइट है फिलर्स कंट्रोल है, आईफोन थोड़ा स्ट्रगल करता है कंट्रोल करने में, वेयर एज वीवो एंड रियलमी सबसे बेटर काम किया है फिलर्स को कंट्रोल करने में बैकग्राउंड में लाइट वगैरह को। लेकिन यहाँ पर देखो सामने से जो लाइट आ रही थी जो फेस है सबसे बेटर यहाँ पर मुझे रियलमी के अंदर में देखने को लगा, जो डिटेल्स है फेस पे आपको रियलमी के अंदर में बेटर मेंटेन है एक्चुअल टेक्सचर वगैरह। तो फ्रंट कैमरा का नाइट मोड थोड़ा स्ट्रगल करता है आईफोन 15,
डिटेल्स कैप्चर करने में एंड लाइट को कंट्रोल करने में। यहाँ पर देखो तो पूरा का पूरा यहाँ पर आईफोन 15 ने स्ट्रगल किया बैकग्राउंड में लाइट कंट्रोल करने में एंड फेस पे एक्सपोजर को मेंटेन करने में, वेयर एज V40 Pro के अंदर में एंड रियलमी के अंदर में बैकग्राउंड में लाइट कंट्रोल बहुत बेटर किया है दोनों ही फ़ोन ने। लेकिन देखो फेस सबसे बेटर यहाँ पर जूम करने के बाद जो डिटेल्स है वो आपको रियलमी के अंदर में बेटर मेंटेन्ड टेक्सचर वगैरह, वीवो के अंदर में थोड़े से AI टाइप फेस देखने को लग रहे हैं, स्मूथ ज़्यादा कर दिया फेस को, चाहे फोरहेड हो चाहे वो चीक हो यहाँ पर ये वाला एरिया। तो यहाँ पर स्लाइटली सबसे बेटर जो लो लाइट सेल्फी है रियलमी का है, प्राइस सबसे कम है बट सेल्फी लो लाइट में फ्रंट कैमरा का सबसे बेटर रियलमी का है। आईफोन का प्राइस सबसे ज़्यादा है बट स्ट्रगल ज़्यादा करता है आईफोन 15, तो यहाँ पर हर कुछ में आईफोन बेटर निकल के नहीं आता है। तो अब देखो वीडियो के अंदर में स्लाइटली आईफोन यहाँ पर विनर निकल के आता है, लेकिन फोटोज़ की मामले में जो पोर्ट्रेट शॉट है वो मुझे यहाँ पर रियलमी का थोड़ा सा बेटर देखने को लगा है। एंड वीवो स्ट्रगल करता है अपने UI को लेकर के, इसके अंदर में स्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी भी आपको बेटर देखने को नहीं मिलता है, कभी पिक्चर अच्छी निकल के आती है कभी पिक्चर बेकार निकल के आती है। तो UI का बहुत बड़ा दिक्कत है खासकर कैमरा ऐप के अंदर में वीवो के अंदर में, एंड काफी सारे अपडेट भी आ चुके हैं बट स्टिल प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। पोर्ट्रेट शॉट में जो डिटेल्स है वो आपको इनफ निकल के नहीं आती है। बाय द वे पोर्ट्रेट शॉट मुझे यहाँ पर रियलमी का थोड़ा सा बेटर देखने को लगा है। वीडियोस क्वालिटी में वीवो के अंदर में थोड़ा इशूज है, सामने में अगर फेस को अगर आपको सामने लेके आते हो तो ऑटो फोकस करने में स्ट्रगल करता है। तो स्लाइटली अकॉर्डिंग टू प्राइस कंडीशन रियलमी भी अच्छी है, लेकिन रियलमी के UI में काफी ज्यादा लैग है, आपको UI बेटर फील नहीं देगा, फोन कभी कभार लैग भी करता है। कैमरा मेरा ऐप के अंदर में 60 FPS पे आपको बहुत ज्यादा जिटर मारता है, लगेगा ऐसा कि मैं 30 FPS शूट कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस 28-29 में रियलमी ठीक है, 45 से स्टार्ट है V40 Pro का प्राइस, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है V40 Pro को प्राइस के अकॉर्डिंग। अब देखो आईफोन का प्राइस है 50,000, तो कैमरा के अलावा जो परफॉर्मेंस है जो एक्सपीरियंस है वो आपको बेटर देखने को मिलता है। तो मैं थोड़ा सा एक पल के लिए लो लाइट का फ्रंट कैमरा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ आईफोन 15 का, बट तीनों ही फोन अच्छे हैं। यहाँ पर मैं पिक करना चाहूंगा रियलमी को थोड़ा सा यहाँ पर बाकी दोनों फोन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू प्राइस। बाय द वे आप बताना कमेंट में आपको किस फोन का कैमरा अच्छा देखने को लगा एंड क्वालिटी किसकी बेटर निकल के आई। मैंने शेयर किया अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू, तो आप ठोक देना एक लाइक बटन, कर देना फटाफट सब्सक्राइब।